हुआ? पैसा का इंतजाम हुआ? नहीं। अगर तुमने पैसा का इंतजाम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करना, मेरे पास जितना था उतना तो दे चुकी हूँ, और कहाँ से जुगाड़ करो? इससे फायदा तो तुम ही को होगा। देखो मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा, अगर मैं इंटरव्यू निकाल लेता हूँ फिर तो हमारी शादी का रिश्ता ही क्लियर हो जाएगा। हाँ मैं समझ रही हूँ, देखती हूँ अपने दोस्तों से माफ कर। हाँ कल तक किसी तरह जुगाड़ करो वरना। बिल्कुल बोलो, कैसे हेल्प चाहिए? मुझे 10,000 चाहिए, दे सकती हो? मेरे पास 10,000 तो नहीं है, पर मेरे पास 6,000 है जिसमें से मैं तुम्हें 5,000 दे सकती हूँ। लेकिन ये बताओ तुम्हें 10,000 की जरूरत क्या पड़ी? क्या हुआ तुमने बताया नहीं, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? दानिश को जरूरत है। तुम उस लोफर फ्लड के लिए पैसे मांग रही हो? अरे ऐसा मत कहो, उसने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है। पागल हो तुम यार, तुम्हें लगता है वो जिंदगी में कुछ करेगा? दिन भर आवारा लड़कों के साथ पट्टा मारता फिरता है। तुम उसे नहीं जानती, वह छुपा रिश्ता में, उसने इस बार SSC क्रैक किया है, उसका इंटरव्यू है दिल्ली में। अगर उसका इंटरव्यू में हो जाता है फिर तो उसका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, फिर वह मुझसे शादी कर लेगा। SSC क्रैक किया है, झूठ बोल रहा है वो। तुमने देखा है उसका रिजल्ट? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोलेगा? देखो मेरे पास पैसे तो हैं, पर मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं दे सकती। अगर मैं उसे पैसा नहीं दूंगी तो वह ब्रेकअप कर लेगा। उसने ब्रेकअप करने की धमकी दी है? हाँ, उसका कहना है कि जब जरूरत के समय उसकी हेल्प नहीं की तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये लव ऑफ कुछ भी नहीं है, वो तुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बारे में काफी कुछ सुन रखी हो, वह काफी गंदा इंसान है। ठीक है पैसा नहीं देना तो मत दो, लेकिन उसे भला बुरा मत कहो। मैं जानती हूँ वह मुझसे ही शादी करेगा। गॉड सेव यू, बाय। नहीं मैं काफी समय से उसके टच में नहीं हूँ, क्यों क्या हुआ? उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, वह अभी हॉस्पिटल में है। माय गुडनेस, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने कई दोस्तों से पैसा उधार ले रखा था। हाँ इस बात को लेकर मेरी भी उससे अनबन हुई थी। उसने अपने उस बॉयफ्रेंड लुच्चे दानिश के लिए मुझसे 10,000 की मांग की थी, लेकिन मैंने उसे देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा ठीक किया, यह दानिश का बच्चा उससे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। यह बात मैंने उससे कही थी, वह छोटी से पैसा वसूलता और ऐश करता था, उसने छोटी को अजीब ढंग से अपने वश में कर रखा था। हाँ यह भी मैंने उससे कहा था, छोटी ने मुझसे कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने SSC क्रैक कर लिया है, अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है तो वो उससे शादी कर लेगा। हाँ अगर छोटी पैसा नहीं देगी तो वह उसे ब्रेकअप कर लेगा। यही कह के कर वह छोटी से 1,25,000 ले चुका है। पिछले सप्ताह से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। छोटी ने उसके दोस्तों से पता किया तो
पता चला कि उसने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है। वह कोई गल्फ कंट्री चला गया। कहाँ गया पता नहीं। वह वापस नहीं आने वाला। यह सुनकर उसे बड़ा शॉक लगा होगा। छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना बड़ा शॉक लगा। उसने आत्महत्या करने जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। पता नहीं बेवकूफ लड़कियों की आंखें कब खुली। कोई भी लड़का अगर आपसे पैसे मांगता है, आपको फिजिकली मेंटली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो फॉर गॉड से उनके ट्रैप में मत आओ। उनकी झूठी प्रॉमिस पर फोकस करने से बेहतर होगा अपने करियर पर फोकस करना। आई बात समझ में। हाँ ठीक है चलो बोलो स्टार्ट। आत्महत्या करने की कोशिश की है। जब अपना फोन ऐसे लगी किया तो वैसे बनाएगा। तुम मत हंसो। सर ऐसा एक्सप्रेस मैसेज तो कर लिया। आपको क्या पता वो हम ऐसे किए। हाँ मत कुछ करो। हाँ खुशी could you please help me? No. अरे तू कह गई। आई बात समझ में। हमने 1 2 3